हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, फिर आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ और आज हम लोग उसी सिंटेक्स के कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ नए चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप इसको जो सिंटेक्स का जो या आपका जो सीरीज चल रहा है, ये कंप्लीट मैं पार्ट वाइज करके बनाते जाऊँगा। आप सिंटेक्स के हर पार्ट को मैं आपके सामने रख दूंगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन इसको हम पार्ट में बांटकर चल रहे हैं। ओके, पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू हो चुका है, पार्ट थ्री भी हो चुका है और आज हम लोग पार्ट फोर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पहली बात तो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, पूरी तरह से आप उसको देखिए। पूरा देखने के बाद में ही आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को। और जिन लोगों ने, मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों ने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड नहीं देखा होगा, वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। और वीडियो को पूरा आप ए टू जेड देखिए, इसके बाद में फिर आपको यदि लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, पहला हमने पॉइंट आपको ये समझाना है कि यदि एंड द्वारा, बहुत ध्यान से बड़ा समझना होता है, सिंटेक्स जो होता है ये समझने का ही चीज होता है। यदि एंड द्वारा सिंगुलर नाउन्स जुड़े हों, बहुत ध्यान से देखिए, यदि एंड द्वारा सिंगुलर नाउन्स जुड़े हों और उनसे एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध होता है तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको लगेगा कि इसमें एंड से अलग अलग नाउन जुड़े हैं, दो हो गए, ये प्लूरल हो जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, यदि एंड द्वारा सिंगुलर नाउन्स जुड़े हों और उनसे एक ही वस्तु या एक ही भाव का भाव, एक ही भाव व्यक्त होता है तो उनके साथ वर्ब जो होता है ये सिंगुलर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, दिया है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये अपने आप में एक प्रोवर्ब भी है, कहा जाता है इसको कि यदि किसी काम को हम धीरे ही करें और नियमित रूप से करें तो हमारी जीत निश्चित होती है। इसका अर्थ यही है कि यदि आप किसी काम को धीरे धीरे ही करें लेकिन नियमित करें तो आपकी जीत सुनिश्चित है। दूसरा, अब देखिए यहाँ स्लो एंड स्टेडी दो अलग अलग नाउन जो हैं यहाँ पर एंड से जुड़े हैं और विंस क्या है, वर्ब सिंगुलर है। यदि आपको मैं पहले भी बताया था कि यदि किसी वर्ब में यानी मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए विन में एस लगा हुआ है। दूसरा है, अ हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी फॉर अस। अब देखिए यहां पे एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं, हॉर्स और कैरिज, लेकिन अ हॉर्स एंड कैरिज इसको मतलब घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, तांगा कहते हैं, टमटम भी कुछ जगह कहा जाता है इसको। तो देखिए हॉर्स एंड कैरिज, अब घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी से यदि घोड़ा को निकाल दीजिए तो फिर अधूरा हो जाएगा, यदि घोड़ा है उस गाड़ी के पार्ट को निकाल दीजिए तो वो भी अधूरा हो जाएगा। जब दोनों को हम इकट्ठा मिलाते हैं, घोड़ा और गाड़ी को, तब जाकर के कंप्लीट हमारा बनता है घोड़ा गाड़ी, यानी एक ही भाव का व्यक्त यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो उसी तरह से अ हॉर्स एंड कैरिज दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर है, इज है। अ हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी फॉर अस, घोड़ा गाड़ी हमारे लिए तैयार है। अगला एग्जाम्पल है, राइस एंड करी। अब देखिए यहाँ भी एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं, एक साइड में राइस, दूसरे साइड में करी है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर है। कहता है कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। अब इसको आपको मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। राइस एंड करी का मतलब होता है दाल भात। बहुत से स्टूडेंट्स भात बोलने में अपना थोड़ा इंसल्ट फील करते हैं, ऐसा नहीं है। भात जो होता है ये शुद्ध हिंदी होता है,
लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, चावल चावल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पक जाने के बाद में वो चावल भात बन जाता है। जिस प्रकार से जो कच्चा दाल है उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, लेकिन पका देने के बाद क्या बन जाता है, करी बन जाता है। तो खैर वो तो अलग मैटर है। आप यहाँ देखिए, राइस एंड करी, एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं लेकिन दोनों का भाव एक ही है, इसलिए राइस एंड करी इज को आपको वर्ब को टारगेट करना है, वर्ब पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इज जो है सिंगुलर वर्ब है, इज माई फेवरेट फूड, दाल भात मेरा प्रिय भोजन है। तो इस तरह के चीज़ों को बेटा, बहुत सारे भी और एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं जब आपको सिंटेक्स पढ़ाऊँगा उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट भी लूँगा, या मतलब इसी वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस वर्क में मैं तमाम करवाऊँगा। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर तीन ही हमने एग्जाम्पल दिखाया आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस कराऊँगा तो 10-10 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये दूसरा रूल क्या कहता है कि जब दो अलग अलग सिंगुलर नाउन में और से जुड़ा गया हो, दो देखिए यहां रोहन है यहां सोनू है, यदि दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है और वो और से जुड़े हुए हैं तो वहां भी जो वर्ब होगा ये सिंगुलर में होगा। इस चीज को आप ध्यान देना होगा, यदि दो अलग अलग नाउन और से जुड़े हुए हों तो उनका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप ये जानने का भूल नहीं करेंगे। अब जिससे एग्जाम्पल यहाँ है कि रोहन और सोनू हैज गॉन टू पटना, अब यहाँ पर और का मीन्स क्या होता है, या अथवा, या और मीन्स होता है या। अब यहाँ यह अर्थ निकलता है कि रोहन या सोनू पटना गया है, मतलब दोनों नहीं गए हैं, दोनों में से कोई एक गए हैं। तो यही बेटा आपको समझना है कि जब दो अलग अलग सिंगुलर नाउन और से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। इसी कड़ी में मैंने आपको एग्जांपल बताया, रोहन और सोनू हैज गॉन टू पटना, इसमें यही इसका अर्थ कहा, ये नहीं कह देंगे कि रोहन और सोनू पटना गए हैं, नहीं, रोहन या सोनू इन दोनों में से कोई एक पटना गया है। अगला एग्जाम्पल है, मोनू और राजू हैज स्टोलन माई वॉच, कहता है मोनू या राजू ने मेरा घड़ी चुरा लिया है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप ये मत कह देना कि मोनू और राजू ने मेरा घड़ी चुरा लिया है, यहां जब और होता है तो और मीन्स या, यानी दोनों में से कोई एक, इसका क्या होगा, मोनू एंड राजू हैज स्टोलन माई वॉच, मोनू या राजू ने मेरा घड़ी चुरा लिया है, यानी दोनों में से किसी एक ने चुराया है। इसलिए यहाँ पर जब दो में से कोई एक की बात हो रही है, यानी जब एक है यानी कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। अब आइए अगला एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दिस, दोज के बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स तथा प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जब भी, फिर से बड़ा ध्यान देना, जब भी मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दिस, दोज के बाद जब भी कोई आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो स्वाभाविक है कि उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इस संदर्भ में देखिए एग्जाम्पल, मैनी बॉयज, अब देखिए मैनी मैनी है, मैनी के बाद क्या आया है, सब्जेक्ट बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बॉयज क्या है, प्लूरल है। मैंने क्या बोला कि के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैनी के बाद में क्या आया, बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट है, और मैंने ये भी बताया तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जब मैनी बॉयज, बॉयज जब प्लूरल है तो आर भी देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, तो मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, इसका अर्थ भी समझ लीजिए, कई लड़के आज उपस्थित हैं, कई लड़के आज उपस्थित हैं। दूसरा एग्जाम्पल है,
बोथ द बुक्स। अब देखिए ये बोथ के बाद में द बुक्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बोथ द बुक्स वर न्यू, दोनों किताबें नई थे। बोथ द बुक्स वर न्यू, दोनों किताबें नई थी या थे जो भी समझिए। यहाँ पर मतलब ये समझना है कि बोथ के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा या मेनी के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि देखिए बुक्स के बाद में वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, अ फ्यू वुमेन आर गुड नेचर्ड, कुछ महिलाएं अच्छे स्वभाव की होती हैं। क्लियर, अ फ्यू, अ फ्यू दिया गया है। अब मैं जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया, अ फ्यू वुमेन आर गुड नेचर, कुछ महिलाएं अच्छे स्वभाव की होती हैं। तो बेटा आपको यही बात स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा, बार बार आपको ये चीज़ को मतलब मैं बता रहा हूँ, जोर देकर बता रहा हूँ कि जब भी सेंटेंस में मैनी रहे, सेवरल रहे, बोथ रहे, अ फ्यू रहे, दीज रहे, दोज रहे, तो उनके जस्ट बाद कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्वाभाविक है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। अब देखिए इसका एक एक्सेप्शन भी समझा देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेनी के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेनी, एक नोट में आप ध्यान दीजिए, नोट में मैंने इसको दिया है कि यदि मेनी के साथ में अ लगा रहेगा, मेनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। यदि मेनी है तो उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यदि मेनी अ है तो उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मेनी अ मैन हैज कम, कई आदमी आए हैं। आपको देखने में लग कई आदमी, यहाँ पर आपको लगेगा अरे ये तो बहुत, यहाँ भी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। यही चीज़ आपको समझना है कि मेनी अ हो गया तो यह इसको सिंगुलर माना जाता है, तो मेनी अ मैन हैज कम। अब आप यहाँ भी देखिए, यहाँ मेनी के बाद में बॉयज प्लूरल है, लेकिन जब मेनी अ हो गया, यहाँ पर मैन है, यदि मैन क्या है, सिंगुलर है, यदि यहाँ पर मेनी होता तो फिर यहाँ मैन नहीं होता, फिर तो मेन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेनी अ मैन, यानी मेनी अ इससे साबित होता है कि इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है, मेनी अ मैन वॉन्ट्स टू गेट रिच क्विकली, मेनी अ मैन वॉन्ट्स टू गेट रिच क्विकली, कहता है कि सभी लोग, बहुत से लोग जल्दी धनी बनना चाहते हैं, बहुत से लोग या कई लोग जल्दी से जल्दी धनी बनना चाहते हैं, बहुत जल्द धनी बनना चाहते हैं। तो इस तरह के सेंस में आपको यही याद रखना होगा कि जब भी मेनी और मेनी अ, ये दोनों में फर्क समझना आप, जब कोई सेंटेंस मेनी से शुरू होगा तो उसकी जस्ट बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यदि मेनी अ है तो उसके बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब आइए आपको मैं अगला रूल समझाता, देखिए ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यह हमेशा आपको याद रखना होगा कि जब भी सेंटेंस में ईच या एवरी से, कोई भी सेंटेंस यदि ईच या एवरी से शुरू होता है तो उसके जस्ट बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहने की वजह से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मैंने स्पष्ट लिख दिया है आपको रूल में भी, ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब समझ रहे हो आप,
जिसे आप काउंट कर सको, जिसे आप गिन सको, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, या जिस वस्तु को या चीज, किसी भी जानवर को, वस्तु को, इंसान को, दुनिया में जो भी चीज है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जिस चीज को हम नहीं गिन सकते या जिसे गिना नहीं जाता है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। जैसे चीनी है, चाय पत्ती है, आटा है, ये चावल है, ओके। अब आप चावल को गिन कर तो नहीं खरीदते हो, तो जो अनकाउंटेबल होते हैं वो अलग चीज हो गए, जिसे गिना ना जा सके, और जो काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे हम काउंट कर सके, जिसे हम गिन सके। वही बात बता रहा है कि ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन प्लुरल भी होता है, लेकिन ईच या एवरी के बाद जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी एक वचन में होगा, और उनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जैसे पहले आया ईच, ईच मैन, मैन क्या है, काउंटेबल है, इंसान को हम गिन सकते हैं, और देखिए सिंगुलर भी है, मैन क्या है, सिंगुलर है, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है। तो ईच मैन, अब देखिए सिंगुलर नाउन है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है, ईच मैन हैज अ कार। दूसरा एग्जाम्पल है ईच एग वॉज बैड, प्रत्येक अंडे खराब थे। अब देखिए ईच के बाद में एग क्या है, एग तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन एग यहां पर सिंगुलर में है, इसलिए आप कह सकते हो कि एग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ईच एग, अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो देखिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है, ईच एग वॉज बैड, प्रत्येक अंडे खराब थे। अगला है एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल। अब देखिए एवरी है, एवरी के जस्ट बाद क्या है, प्लेयर। अब यहां मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, वहां पूछ देगा कि एवरी प्लेयर्स हैज प्लेड वेल, तो आप जब बेटा रूल जानते हो तो आप उसको पकड़ लोगे कि यार ईच या एवरी के बाद में जब भी आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया है। तो यही रूल आपको समझना है, जब भी सेंटेंस में ईच या एवरी होंगे उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से एवरी प्लेयर, प्रत्येक खिलाड़ी, एवरी प्लेयर हैज, देखिए हैज सिंगुलर वर्ब है, प्लेड वेल, प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेला, प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेला। लास्ट इसका देखिए एग्जाम्पल है एवरी हाउस वाज ब्यूटीफुल, प्रत्येक मकान सुंदर थे, यानी एवरी हाउस क्या है, हाउस को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन है, लेकिन हाउस क्या है, सिंगुलर में है, इसलिए आप इसको कहेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वाज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो बेटा यही आपको ध्यान देना है, ईच या एवरी के बाद जब भी कोई आएगा नाउन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है, प्लूरल का प्रयोग कभी नहीं होता। अब एक अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अभी कहता है, पहले मैं आपको रूल समझा दूं, ऑल तथा सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे, मान लीजिए आपके सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऑल तथा सम से शुरू होता है, तो उसके बाद क्या आएगा, यदि काउंटेबल नाउन रहे, और ऑल तथा सम के बाद जो नाउन आया है यदि वो काउंटेबल में है, जिसको आप गिन सकते हो, तो हमेशा प्लूरल में होगा, सिंगुलर में कभी नहीं हो सकता। यही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ऑल तथा सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो नाउन प्लूरल होता है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहले तो अब इस रूल को समझ लो। दूसरा इसमें पॉइंट है, ऑल तथा सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं कि ऑल तथा सम के बाद कोई भी नाउन आया है तो वो कौन सा नाउन होगा, नाउन क्या होगा,
वो प्लूरल में होगा लेकिन काउंटेबल नाउन होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑल तथा सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो नाउन प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा रूल में यही है कि ऑल तथा सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है, जब अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे भी सिंगुलर माना जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल में जब समझेंगे तो अब आप और अच्छा समझेंगे। देखिए यहाँ ऑल है, ऑल के बाद में क्या है, हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। लेकिन ऑल के बाद हॉर्स सिंगुलर नहीं हो सकता, ये जब भी होगा प्लूरल में होगा। मैंने क्या लिखा कि काउंटेबल नाउन रहे तो नाउन प्लूरल होता है, यानी ऑल के बाद हॉर्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हॉर्स गलत माना जाएगा, हॉर्सेस होगा। ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, सभी घोड़े जानवर होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सम फ्लावर्स वर रेड, कुछ फूल लाल थे। तो देखिए सम, सम के बाद क्या आया है, फ्लावर। फ्लावर भी काउंटेबल नाउन है लेकिन ये सिंगुलर नहीं हो सकता कभी भी, जब होगा ये प्लूरल में होगा। तो सम फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। जब ये फ्लावर्स प्लूरल है तो देखिए इनके साथ वर्ब, वर्ब का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपने ऊपर वाला सेंटेंस में देखा, ऑल हॉर्सेस, हॉर्सेस प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। सम फ्लावर्स वर रेड, यहाँ सम के बाद जो फ्लावर काउंटेबल है और ये काउंटेबल जब नाउन रहेगा तो हमेशा प्लूरल में रहेगा, इसलिए यहाँ पर फ्लावर्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया गया है। अब इसी का अनकाउंटेबल का आप एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मनी, मनी बेटा बहुत से बच्चे जानते हैं कि मनी जो है ये काउंटेबल नाउन है, नहीं, मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, तो देखिए ऑल द मनी वाज लॉस्ट, सभी पैसे खो गए। अब यहां पर ऑल के बाद में देखिए द मनी है, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। लास्ट एग्जाम्पल है सम शुगर इज नीडेड, अब देखिए सम के बाद में जो शुगर है, चीनी, ये अनकाउंटेबल है इसलिए वर्ब इज सिंगुलर में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सम शुगर इज नीडेड, कुछ चीनी की आवश्यकता है, कुछ चीनी की आवश्यकता है। तो बस बेटा यही चीज समझना था आपको, यदि ऑल या सम के बाद कोई भी नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल में होगा, यानी कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। जब प्लूरल में होगा तो उनके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल तथा सम के बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है बेटा, आप इस वीडियो को जरूर देखना और शुरू से अंत तक देखना। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। फिर इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक जय हिंद।